देश के लिए गोला बारूद बनाने वाले सभी आयुध कारखानों में हड़ताल, सरकार से वार्ता फेल। नमस्कार, रक्षा क्षेत्र की आयुध निर्माणियों के कर्मचारियों के कथित निजीकरण के विरोध में आज से महीने भर की हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल में मान्यता प्राप्त 3 रक्षा परिसंघों के कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं। कर्मचारियों ने काफी दिन पहले ही सरकार को हड़ताल की चेतावनी दी। रक्षा क्षेत्र की आयुध निर्माणियों के कर्मचारियों ने कथित निजीकरण के विरोध पर आज से महीने भर की हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल में मान्यता प्राप्त 3 रक्षा परिसंघों के कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं। कर्मचारियों ने काफी दिन पहले सरकार को हड़ताल की चेतावनी दे दी थी, जिसके बाद सरकार ने उनके साथ कई दौर की बातचीत भी की थी। बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकलने पर कर्मचारियों ने हड़ताल करने के निर्णय लिया है। सरकार ने पिछले सप्ताह ही स्पष्ट किया था कि आयुध निर्माणियों के निजीकरण का उसका कोई प्रस्ताव नहीं है और कर्मचारियों को हड़ताल का निर्णय वापस ले लेना चाहिए। कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को स्पष्ट किया गया है कि सरकार आयुध निर्माणियों को रक्षा क्षेत्र का सार्वजनिक उपक्रम बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जो पूरी तरह सरकार के अधीन होगा। ये कहा गया था कि OFB ने निजीकरण की अफवाह भ्रमित करने वाली और कर्मचारी को गुमराह करने के उद्देश्य से फैलाई जा रही है। नए कदम से OFB भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के समक्ष आ जाएगी, जो उनके हित में है। इस बारे में किसी भी निर्णय में कर्मचारी को हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।